हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन कम्युनिकेशन की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो ICG जो फॉर्म चल रहे हैं उसका फोटो सिग्नेचर और लैप थंब कैसे करके हम लोग मैंने अपलोड करेंगे, कैसे करके हम लोग उसको साइज में बनाएंगे, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और एक एक स्टेप फॉलो करें दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए फोटो और ये हुआ सिग्नेचर, ये आपका लेफ्ट थंब। तो हम लोग इस तीनों को अभी बनाएंगे साइज में। पहले हम लोग इसको फोटोशॉप में ऑन कर लेते हैं। आपका फोटोशॉप नहीं है तो आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। फोटोशॉप में आने के बाद इसमें आप लोगों को डेट ऑफ फोटो देना होगा। डेट ऑफ फोटो देने के लिए आपको यहाँ पे व्हाइट मार्क देना होगा। व्हाइट मार्क देने के लिए नाम और डेट देना होगा। इसमें हम लोग इसको ब्लैक कलर देंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग इसको ब्लैक कलर देंगे। उसके बाद ये फोटो का डेट एक ठो देना होगा कि ये फोटो कब खिंचाया गया है। तो 1-2 दिन पीछे का आप लोग डाल दीजिए डेट। आज मान लीजिए आज को 11 तारीख है तो मान लीजिए 01/09/2022 इसे आप लोग लिखना होगा d.o.p। इसका डेट ऑफ फोटो देना होगा इसीलिए DOP लिखना होगा। उसके बाद इसको हम लोग कलरिंग करेंगे, मतलब इसमें हम लोग देखिए दोस्तों ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम लोग जाएंगे इसका जो कितना KB के नीचे मांगा गया है ना, 10 से 100 KB के नीचे मांगा गया, मतलब ठीक है। इसमें सेव करते टाइम दोस्तों इसमें आपको फाइल का नाम रखना होगा, तब जाके अपलोड होगा। फाइल का नाम आपको रखना होगा। फाइल का नाम आपको ये जो पासपोर्ट साइज फोटो इसमें जो ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर रखेंगे और इसमें जो आप लोगों का यहाँ पर पेस्ट करना होगा पासपोर्ट फोटोग्राफ, इसमें आप लोग सेव किए। उसके बाद फिर फोटो रेडी हो गया। देख रहे हैं फोटो लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों फोटो अपलोड हो गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों फोटो आ गया है। अभी हम लोग सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के लिए वही देख लेंगे कि इसका साइज ठीक है। इसको हम लोग खाली रीनेम करना होगा दोस्तों। रीनेम पे हम लोग क्लिक करेंगे। रीनेम पे क्लिक करने को इसमें जो सिग्नेचर लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और फिर इसमें जाके हम लोग इसमें रीनेम में पेस्ट करेंगे। फिर देखेंगे सिग्नेचर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देखिए दोस्तों आपका सिग्नेचर भी ले लिया है। देखिए दोस्तों सिग्नेचर भी आ गया। अभी अभी हम लोग को लेफ्ट थंब देना होगा। लेफ्ट थंब देने के लिए इसको हम लोग थंब इम्प्रेशन को क्लिक ये करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर इसको
इसमें जाके लेफ्ट थंब को दोस्तों बनाना होगा, इसको थोड़ा काटना होगा। काटने के बाद इसको हम लोग रिनेम करेंगे। देखिए दोस्तों रिनेम हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे जोन सा फाइल में सेव हुआ है, देखिए दोस्तों ये भी आ चुका है, और फिर हम लोग इसको सेव करते हैं। देखिए दोस्तों मेरा फोटो भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया और लेफ्ट थंब भी हो गया। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग इसको और इजी वे में कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा अच्छा से बता दिया, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग बन गया वीडियो, नहीं तो और भी इजी प्रोसेस में वाला हो सकता है। पहले आप लोगों को फोटो सिग्नेचर को 100 KB के नीचे करना होगा, अगर उसका जो रीनेम होगा, जो उसका फाइल का नाम होगा, वो इसमें से डालना होगा। जैसे फोटो में आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ देना होगा, सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर लिखना होगा, और थंब इम्प्रेशन और थंब इम्प्रेशन जैसा है वैसा आप लोग दें। उसके बाद आप लोग सेव कीजिए दोस्तों, तब जाके आराम से आप लोग का ले लेगा। हाँ चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था दोस्तों कि आप लोग कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड में चल रहे हैं फॉर्म सब में। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली ही ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।